तो हे गाइस,
पहले की नहीं होती रिशु। ऑर्डर कर ले अगर तुझे मान नहीं है। तेरे कोई चीज बोलता हूँ मैं करता हूँ मैं करता हूँ। अब हाथ करवाए करा दिया ना नुकसान। तब तो बड़ी चील बन रही थी उड़ उड़ के ऊपर चढ़ रही थी। तब नहीं तेरे अंदर दिमाग आया थोड़ा बहुत भी। आदमियों का काम आदमियों को करने दिया कर। ये क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? आज की कोई आदमी उद्मी कोई आदमी उद्मी की बात नहीं कर रहा हूँ। बस कर ठीक है। तेरा हाथ कटा क्या लड़का? हाथ कटे तो क्या हो गया? हाथों कटता रहता है हटता तू। आदमी लड़का लड़की तूने फर्क कर दिया ना? फर्क नहीं किया मैंने। मैंने ये बोला हाथ कट के तो क्या हो गया यार? मैंने बड़ी बात नहीं है। मैंने ये बोला है तू ज्यादा मत बोल ठीक है? पहले मेरी बात सुन ले। क्या बोलेगा? क्या मैंने ये बोला है कि भाई जो काम आदमियों को आता है तू करने दिया क्या? और भी कर सकती है। हमें पता है कि हमें काम कैसे करना है। निकल हाथ कट के हट निकल यहां से। चल तेरा हाथ कट। हट प्रैंक चल रही थी मैं तेरे ऊपर ना कि हाथ कटा हुआ मेरा काम कटाया। ये लाल लाल क्या लगा है? फेक ब्लड है। फेक ब्लड है? अच्छा अब ये चीजें भी करने लगी है तू। ऐसा ना फालतू के प्रैंक मत क्या कर ठीक है? आज जन्माष्टमी है वैसे भी और मैंने तेरे को बोला था ना कि मैंने प्रैंक नहीं करना तो तू क्यों कर रही है प्रैंक मेरे साथ? तो ज्यादा आई बड़ा सारे हाथ गंदे हो गए। चल फटा कुछ। तो गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं ना निकल। तो गाइस ये देखो हमारे कान्हा जी और ये है हमारी मतलब जो कान्हा जी को लेके आई है ना घर में वो ये लेके आई है रिचू कान्हा जी को। सो गाइस मंदिर में इतने अच्छे अच्छे से कान्हा जी सजे हुए हैं मतलब कि पूरा मंदिर चमचम चमचम कर रहा है। बट हमारी ये इच्छा थी कि हम कान्हा जी को अपने घर में लाएं और घर में उनको अच्छे से सजाएं अच्छे से उनको खूब सारा प्यार दें और उनका भी हमें खूब सारा प्यार मिले। क्यों रिचू? तो इसलिए रिचू ने मेरे को बोला कि हम लोग कान्हा जी घर में लाएंगे और कान्हा जी को हम लोग घर में अपने घर में झुलाएंगे और फिर उसके बाद सब कुछ सही चलेगा। क्यों? बस। सो गाइस 12 बजने को ओनली रहे 5 मिनट। तो 5 मिनट के बाद हम लोग कान्हा जी को झूला देंगे यहाँ पे और रिचू यहाँ पे पूरी तैयारी कर रही है अच्छे से। तो यहाँ पे हमारी मिठाई भी तैयार है। मिठाई भी हम लोग पहले से लेके आए थे। क्यों रिचू? हाँ जी गाइस अगर आप लोगों ने भी खानी है तो आ जाओ हमारे घर हम आप लोगों को मिठाई खिलाएंगे। तो ये प्यारे प्यारे लड्डू हमारे लड्डू जी को खिलाएंगे पहले उनको भोग लगाएंगे लोग इनको झूला देंगे तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा मोमेंट है ये। क्यों रिचू? यस गाइस पहली बार मैं और निखिल सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्माष्टमी। क्या पता अगले साल हम पूरी फैमिली के साथ भी करें। इस साल हम दोनों ही हैं तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो गाइस आप लोग तो हो हमारी फैमिली। हाँ, और हमारे प्यारे से कान्हा जी भी हैं और गाइस हमारी हाँ, स्पेशल रोजी। हाँ हमारी रोजी भी है। हमारे साथ रोजी भी है। हमारे पास रोजी भी आ गई और कान्हा जी भी आ गए छोटे से। तो गाइस अभी पूरे 12 बज गए हैं और अभी हम करने जा रहे हैं ओपन कान्हा जी को। गाइज यहाँ पे हमारी जन्माष्टमी बहुत ही ज्यादा प्यारी और बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी है। अगले साल हम क्या बता इससे ज्यादा अच्छी बनाए भगवान की कृपा रही तो कृष्ण की। तो गाइज अगर आप लोगों को हमारा ये प्यारा सा छोटा सा जन्माष्टमी का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो एंड शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज। और गाइज एक बार हमारे गाना से मिल लो। तो देखो गाइज कितने प्यारे लग रहे हैं हरे नजर ना लगे। तो गाइस लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं उसी के कारण बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग आपके साथ शेयर नहीं कर सकते लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग ये वाली चीजें बहुत ज्यादा शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। बस आप अभी हमें थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और अपना प्यार जल्दी जल्दी। गाइस अभी तो 300 सब्सक्राइबर रह गए 5K होने में तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो और 5K की फैमिली बना दो और 5K पे भी बहुत अच्छा सरप्राइज आने वाला है आप लोगों को। चलो गाइस अभी हम लोग चलते हैं। बाय।